दोस्तों, अनार में आपने देखा होगा जब फूल से फल बनते हैं तो कई बार कई बगीचों में जो फल बनते हैं उन फलों पर धारियां देखने को मिलती है। लंबी लंबी भूरे कलर की लाइनें बन जाती है और जब ये फल बड़ा होता है वैसे वैसे ये लाइनों की लंबाई और चौड़ाई है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये लाइनें फल के कलर को तो ख़राब करती है, साथ ही साथ फल की मार्केट वैल्यू को भी ये लाइनें ख़राब कर देती है। दोस्तों, इन लाइनों के आने का कारण है थ्रिप्स। जब फूल बहुत ही छोटी अवस्था में, नाजुक अवस्था में होता है तो इस पर इस थ्रिप्स का अटैक होता है। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे थ्रिप्स से होने वाले नुकसान की और उसका क्या उपचार है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके अपन इस थ्रिप्स को फलों पर या फूलों पर नुकसान करने से रोक सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों, जब बारिश का मौसम होता है तो इसराइल के बाद में जब पौधों में पत्ती की नई फुटान आती है तो नई फुटान के साथ साथ नए फूलों का भी आना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में ये फूल और पत्ती बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक होते हैं तो इन पर किसी भी कीट का बहुत ही जल्दी अटैक हो जाता है। कोई भी कीट जब इन फूलों को थोड़ा सा भी टच करता है, उसमें से रस चूसता है तो वो अपना उस जगह पर निशान छोड़ जाता है और जब या तो उस फूल की ड्रॉपिंग हो जाएगी या फिर जब वो फूल से फल बनेगा तो उस पर वो निशान है या तो लाइन के रूप में आ जाएंगे या कोई खड्डे के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान है वो थ्रिप्स का है तो इस थ्रिप्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ये अपने लिए बहुत ही नुकसानदायक कीट है। दोस्तों, इस थ्रिप्स को रोकने के लिए अपने को फूलों की प्रारंभिक अवस्था से ही सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि दोस्तों, फूल अवस्था में अगर अपन लापरवाही करते हैं, टाइम पे स्प्रे नहीं करते हैं या अपने को पता नहीं चलता कि इस पे थ्रिप्स का अटैक है तो फिर बाद में इसके गंभीर परिणाम अपने को भुगतने पड़ते हैं। एक तो थ्रिप्स के अटैक से फूलों की ड्रॉपिंग ज़्यादा होती है और फूल टेढ़े मेढ़े ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा बगीचे में टेढ़े मेढ़े फल लगते हैं तो उनके लगने का भी कारण एक थ्रिप्स भी मेन कारण है। दूसरे नंबर पर अगर फूल से फल बन भी गया तो उस पर बहुत सारी लाइनें आ जाएगी, ज़्यादा लाइन आने से फल की मार्केट वैल्यू है वो भी ख़त्म हो जाती है तो इसके लिए अपने को कुछ रासायनिक उपचार है वो करने चाहिए। दोस्तों, जब आप इत्रेल करते हैं, इत्रेल के बाद में जब पत्ती का नया अंकुरण आता है उसके साथ में फूल भी आना शुरू हो जाते हैं तो पत्ती के आते ही आपको इस थ्रिप्स का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, शुरुआती समय में आप पौधों में बहुत सारे केमिकल आते हैं जैसे डाई मेथोएट है, क्लोरोपाइरिफॉस है, साइपरमेथ्रिन है, फिप्रोनील है, मोनोक्रोटोफॉस है, एसीफेट है, इमिडाक्लोप्राइड है। इनमें से कोई भी आप शुरुआती स्टेज में जब पत्ती निकलना शुरू हो जाए उस समय में आप इनका एक दो स्प्रे ज़रूर करें। उसके बाद में जब दोस्तों फूलों का अंकुरण आ जाता है तो फूलों का अंकुरण आने के बाद में फूल जब बड़ा हो जाता है तो फूल बड़ा होने के बाद आप जो मैंने ये स्प्रे बताए इनका आप यूज़ नहीं करें क्योंकि फूल बड़ा होने के बाद में दोस्तों कई पौधों पे फूल खिलना भी शुरू हो जाते हैं तो कई पौधों में फूल आ रहे होते हैं। जिन पौधों में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं उन पौधों पर मधुमक्खी का आना शुरू हो जाता है तो उस अवस्था में आप ये डाइमेथियोट, क्लोरोफायरिफॉस, साइपरमेथ्रिन या फिप्रोनील एसीफेट वगैरह लेते हैं तो ये उस मधुमक्खी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता है। तो उस अवस्था में दोस्तों क्या करना चाहिए, अपने को बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक टाइप के स्प्रे आते हैं उनका यूज करना चाहिए। जैसे आपके पौधे में भरपूर फूल आ गए, काफ़ी फूल खिलने भी लग गए तो उस अवस्था में आप ये जो डाइमेथियोट, क्लोरोपाइरिफॉस, साइपरमेथ्रिन वगैरह आते हैं उनका बिल्कुल यूज़ नहीं करें। अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो आपके बगीचे में मधुमक्खी नहीं आएगी और अगर मधुमक्खी नहीं आई तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा तो ड्रॉपिंग की समस्या होगी।
तो उससे बचने के लिए आपको मधुमक्खी को भी जिंदा रखना है और थ्रिप्स को भी मारना है। थ्रिप्स के साथ साथ इस स्टेज में बारिश के टाइम में लट भी आ जाती है और लट के साथ एफिड है, सफ़ेद मच्छर है, वो भी आ जाते हैं। तो आप अगर बायोलॉजिकल स्प्रे का चुनाव करते हैं और इस स्टेज में यूज करते हैं तो इनके साथ साथ आपकी मधुमक्खी भी सुरक्षित रह जाती है और जो हानिकारक कीट है वो ख़त्म हो जाते हैं और आपके फूलों से फल बनने की दर है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसके लिए आप दोस्तों ट्रेसर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ में आप अगर जैसे शुरुआती स्टेज में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा हुआ है तो थ्रिप्स क्या करती है, अपने अंडे भी दे देती है। तो उन अंडों को ख़त्म करने के लिए आप ट्रेसर के साथ नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेस्टिकोर का यूज़ कर सकते हैं आप। वेस्टिकोर के साथ साथ आप नीम ऑयल ले लीजिए। उसके बाद बेनिविया आती है तो बेनिविया के साथ भी आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बायर की बेल्ट एक्सपर्ट आती है तो आप बेल्ट एक्सपर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आप नीम ऑयल ले सकते हैं। इस पीरियड में दोस्तों आप समय समय पर कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगीसाइड का स्प्रे भी साथ में करते रहें और जो मैंने स्प्रे बताएं उनका अगर आप समय पर स्प्रे करते हैं तो आपके जो ये थ्रिप्स का अटैक है, जो फलों पर धारियां आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस समस्या का आपका समाधान इसी फूल अवस्था में ही होगा। फल बनने के बाद उस पर कुछ नहीं होना है। अगर आप सोचते हैं कि ये तो फल बनने के बाद में थ्रिप्स आई है, इस पर कोई फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड लगाएंगे और वो ठीक हो जाएगा, दोस्तों नहीं होता है। आपको थ्रिप्स का बचाव करना है सिर्फ और सिर्फ फूल अवस्था में। फूल से अगर फल बन गया तो सारी फल का आवरण है वो हार्ड हो जाता है, उसके बाद में उस पर थ्रिप्स का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप फूल अवस्था में सावधानियां रख के तरोताज़ा फल है वो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।